नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज की क्या तमाम 10 बड़ी खबरें हैं आज हम अपने दर्शकों को बताते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के तलाक मामले पर आज फैसला होगा। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि आज ऐश्वर्या कोर्ट में इस मामले पर बड़ा बयान दे सकती हैं। वहीं तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी ने बीते दिनों इस मामले पर कहा था कि दोनों व्यस्त हैं और फैसला दोनों पर छोड़ दो। बीते दिनों बुधवार को मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं सामने आईं जिससे सुलझा लिया गया, तो वहीं कई जगहों पर EVM मशीनों में गड़बड़ी पाई गई जिन्हें बदलकर नई मशीनें लगाई गईं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी बीते दिनों राजस्थान गए थे जहां उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा की थी। उस दौरान राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताते हुए कहा था कि वो कश्मीरी पंडित हैं। वहीं इस बात पर भाजपा ने जमकर राहुल पर निशाना साधा था। वहीं अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनका गोत्र कौशल है और वो हिंदू हैं। राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले PM मोदी नागौर पहुंचे थे जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल पर निशाना साधते हुए PM मोदी ने कहा कि जिस नामदार को ये नहीं पता कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, जो नामदार मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते, वो आज देश को किसानी सिखाते घूम रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी की वजह से एक तरफ जहां साधु संत काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं राम मंदिर मामले पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राज्य में BJP की सरकार है और केंद्र में भी, अगर राम मंदिर में और देरी हुई तो भाजपा के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। वहीं जिस तरीके से साधु संत मोदी सरकार से काफ़ी नाराज है और जिस तरीके से बीते दिनों देखने को मिला था कि अयोध्या में लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, इसे देखकर ये लगता है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है लोकसभा चुनाव से पहले तो मोदी सरकार को झटका लगना तय है। खैर, देखते हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर नहीं। राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। आपको बता दें, PM मोदी ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस को घेरा। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राम मंदिर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसे देखते हुए मोदी सरकार परेशान नजर आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही है और साधु संत भी काफ़ी नाराज हैं, ये बातें मोदी सरकार को और परेशानी में डाल सकती हैं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के फैंस काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कपिल का नया शो कब आएगा, लेकिन अब उनके फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके शो का पहला टीज़र लॉन्च हो गया है और जल्दी उनका शो Sony TV पर लोग देख पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि जब कपिल ने अपना शो बीच में ही ख़त्म कर दिया था उसके बाद से उनके फैंस जो है कहीं ना कहीं काफ़ी हैरान हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा से कपिल शर्मा अपना नया शो लेकर आ रहे हैं उससे उनके फैंस तो खुश हैं ही, साथ ही साथ वो लोग भी काफ़ी खुश हैं जो कपिल को इस तरीके से एंटरटेन करते हुए देखते थे। बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं शादी से पहले प्रियंका का नया लुक सामने आए हैं जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हैं और उनके साथ निक भी थे। आपको बता दें, प्रियंका निक के साथ अपनी मां के घर पूजा करने के लिए गई हुई थी। कसौटी जिंदगी 2 सीरियल में कमौलिका की भूमिका निभाने वाली टीवी सीरियल की चर्चित बहू हिना खान कुछ समय के लिए इस सीरियल से दूर हो गई थी। दरअसल इसकी वजह यह थी कि हिना किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसके लिए उन्होंने फोटोशूट भी करवाया था। वहीं उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें हिना खान बड़े ही अलग लुक में दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिना का नया लुक सामने आया है और हिना
बहुत ही अलग जो है दिखाई दे रही हैं।